आइए। सो टुडे वी विल डिस्कस नवंबर 2018 पेपर, राइट? वी हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर इन आवर क्लास। सो टुडे वी विल टेक अप नवंबर 2018 वाला पेपर, राइट? नाउ पेपर जो नवंबर 2018 में आया था एज कंपेयर टू मे 18 का पेपर वॉज वेरी सिंपल। द एग्जामिनर टेस्टेड ओनली द बेसिक्स। नाउ इसमें भी बेसिक्स ही टेस्ट हुआ है हमारा, बट देर आर सम फ्यू ट्रिकी पॉइंट्स हियर एंड देयर, राइट? तो उसको हम लोग को केयरफुली क्वेश्चन को रीड करने से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, राइट? इनिशियली यू शुड एटलीस्ट गिव 5 to 10 minutes टू रीड द एंटायर पेपर, राइट? एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट with any number you want, but we are going in sequence, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, करना ही है आपको, बाकी फिर 5 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, राइट? सो आप लोग को 5 से 10 मिनट पेपर को रीड करने में देना है कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आया है, एंड देन एक बेसिक रीडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन से पार्ट में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो दैट पार्ट यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट, बट वी आर गोइंग सीक्वेंस। पहला क्वेश्चन 1A, मेसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स, मेसर्स एसजे प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। नाउ साफ समझ में आ रहा है क्वेश्चन का डाटा देख के कि ये रॉ मेटेरियल चैप्टर का सम है। नाउ रॉ मेटेरियल चैप्टर में जो अपने मैनेजमेंट सीखे हैं वो किसका मैनेजमेंट सीखे हैं? इज इट मैनेजमेंट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और इट्स रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री? जस्ट एक रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ, मैं जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सीखा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में, दैट इज प्योरली रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट, राइट? सो यहाँ पर जो हमारा EOQ के फॉर्मूला में जो A होता है, दैट इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो हमारे को यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर्स 20,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ, तो पूरे साल का 2,40,000 प्रोडक्ट हो गया। सो ये फिनिश गुड्स का, तो ये हमारा A नहीं है, हमारा A होगा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। आइए देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 1500, राइट? परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज 100 पर kg, राइट? री ऑर्डर पीरियड मतलब लीड टाइम दे दिया 5 to 7 weeks। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 200 to 3, खपत हमारा कंजम्पशन पैटर्न दे दिया है, एवरेज कंजम्पशन इज 250। नाउ इसको यूज करके हम लोगों को A निकालना है, राइट? कैरिंग कॉस्ट दे दिया 9.75% पर एनम। तो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब पहला पार्ट हम लोग को EOQ का पूछा है, सो EOQ का फॉर्मूला इज 2 into A into O by CH, वेयर A इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन। तो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन मेरा कंजम्पशन पैटर्न से आएगा, दैट इज 250 kg into 52 weeks होते हैं पूरे साल में। अगर 250 मेरा पर वीक का कंजम्पशन है तो पूरे साल का मेरा कंजम्पशन होगा 52 से मल्टीप्लाई करने से हमारा 13,000 kg आ रहा है। इज दैट फाइन? ओ इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विच इज 1500 एंड CH इज आवर कैरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस का 9.75%, 100 rupees का 9.75%, दैट इज रुपीज 9.75 पर यूनिट पर एनम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? अब इस चीज को हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रूट ओवर 2 into 13,000 into 1500 by 9.75,
कैलकुलेटर है आप लोग के पास, 2 × 13,000 × 1500 डिवाइड बाई 9.75 जो आएगा उसका रूट, सो इट इज कमिंग टू 2000 kg। एकदम सिंपल है राइट। इस टाइप का सम्स वी हैव डन इन आवर क्लास, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, देखा देखा सम है राइट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम दे हैव आस्क्ड अस रीऑर्डर लेवल, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सो मैक्सिमम कंजम्पशन इज 300 kg एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 7 weeks, दैट इज कमिंग टू 2100 kg। एकदम यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि 5 क्वेश्चन का 5 नंबर है तो कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा, सो ज़्यादा सोचने का दरकार नहीं है। नंबर टू देवास, नंबर थ्री देवास्ट मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक विच इज़ रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। सो रीऑर्डर लेवल हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ईओक्यू भी आ चुका है, मिनिमम कंजम्पशन 200, मिनिमम लीड टाइम 5, सो दिस कम्स टू 3100 kg। नेक्स्ट नंबर फोर दे हैव आस्क्ड अस मिनिमम लेवल राइट, दैट इज ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। सो ROL इज 2100 माइनस एवरेज कंजम्पशन 250 दिया हुआ इनटू एवरेज लीड टाइम 5 to 7, 5 to 7 weeks का एवरेज विल बी 6 weeks, सो दैट इज 2100 माइनस 1500, इट कम्स टू 600 kg। इज दैट फाइन, एनी प्रॉब्लम एनीवन? एकदम पूरा स्पीड अप प्रोसेस में हम लोग फटाफट फटाफट कर लेंगे। नाउ दे हैव आस्क्ड अस एवरेज लेवल, ना एवरेज लेवल का देयर आर टू फॉर्मूलाज, तो व्हाट आई विल डू, हाफ ऑफ मैक्सिमम लेवल विच आई कैलकुलेटेड प्लस मिनिमम लेवल, सो दैट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम लेवल इज 3100 प्लस 600, सो इट कम्स टू 1850 kg। दैट्स इट। दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू, दैट फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन यूज एज फॉर एवरेज लेवल, एनीथिंग यू कैन यूज। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा सम था, इसको इस टाइप का सम्स हमने क्लास में किया है, देखा दिखाया हुआ है, तो यू कैन फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल राइट। ये हमारा ईओक्यू हो गया, दिस इज मैक्सिमम ROL, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1B। नाउ 1B का जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कॉस्ट कार्ड बनाने का दरकार नहीं है उतना राइट। व्हाट वी विल कैलकुलेट, स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड
स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, दैट इज बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड आउटपुट. सो बजटेड ओवरहेड इज हाउ मच, 5 लाख बाई हमारे को क्वेश्चन में बजटेड आउटपुट दे दिया है 5,000, दैट इज रुपीज 100 पर यूनिट. बस इससे हो जाएगा हमारा काम. यहाँ पे आवर्स का डिटेल नहीं है, राइट? तो आवर्स का डिटेल नहीं है, नहीं तो अपने को स्टैंडर्ड ओवरहेड पर आवर भी निकालना पड़ता. डन. नाउ फिक्स्ड ओवरहेड, पहला क्वेश्चन वही है, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट. वेरी सिंपल. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज 100, 100 इंटू 4,800 माइनस 100 इंटू 4,800 यूनिट्स माइनस हमारा एक्चुअल ओवरहेड है 4,90,000, दैट कम्स टू 10,000 एडवर्स. 4,80,000 माइनस 10,000 एडवर्स. इज दैट फाइन? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट. सेकेंड हमको क्या पूछा है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है, दैट इज बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. तो बजट हमने 5 लाख का बनाया था, बट हमारा एक्चुअल 490 लगा है, सो देर इज अ सेविंग्स ऑफ 10,000. तो ये हमारा फेवरेबल आएगा. राइट? हमने एवरेज निकालते वक्त 5 लाख कंसीडर किया था, बट हमारा एक्चुअल में खर्चा हुआ है 490, तो वी हैव सेव्ड 10,000. नंबर 3, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. नाउ वॉल्यूम वेरिएंस इज बेसिकली लॉस ऑफ आउटपुट और गेन इन प्रोडक्शन. तो आप लोग साफ देखिए, यहाँ पे 5,000 हमारा एस्टिमेटेड था, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 4,800, तो 200 हमारा लॉस ऑफ वॉल्यूम हुआ, इसके कारण हमारी रिकवरी भी कम हुई होगी. सो इट्स लाइक दिस, एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, विच इज द एवरेज रेट. तो 4,800 मेरा वॉल्यूम हुआ है, लेकिन होना चाहिए था 5,000, और एक एक में 100-100 रुपये का फर्क है, सो दैट इज कमिंग टू रुपीज 20,000 एडवर्स. तो यू कैन सी दैट फिक्स्ड ओवरहेड जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है वो हमारा ओवरऑल 10,000 एडवर्स आ रहा है, जिसमें एक्सपेंडिचर के कारण 10,000 सेव हुआ, लेकिन वॉल्यूम के कारण 20,000 एडवर्स हो गया. सो अल्टीमेटली वी हैव नेट अंडर रिकवरी ऑफ 10,000. यस और नो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी. तो इस अंडर रिकवरी का कितना रीजन होता है? एक होता है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रोडक्शन. कम प्रोडक्शन का कम रिकवरी हुआ 20,000, लेकिन सेविंग्स हो गया 10,000 का. तो अल्टीमेटली वी आर इन नेट लॉस ऑफ 10,000. ठीक है?
Now, efficiency. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी पूछा है हम लोगों को. नो, एफिशिएंसी मतलब हमने क्या काम किया टाइम अलाउड में, उसके बेसिस पे हमारा कंपैरिजन होगा. 25 दिन बजटेड था, 23 दिन काम हुआ. ये जो 2 दिन का लॉस है ये कैपेसिटी वेरिएंस में जाएगा, राइट? सो व्हाट आई विल टेक हियर, एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट. 23 दिन में कितना होना चाहिए था, हमने कितना किया, इनटू स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. तो हिसाब से देखा जाएगा, हमने 4800 बनाया. अच्छा, 5000 प्लांट था 25 के हिसाब से, लेकिन 25 दिन में कंपैरिजन नहीं होगा. 23 डेज में कितना होना चाहिए था उसके बेसिस पे हमारा ये कंपैरिजन होगा, इनटू 100. सो दैट इज लाइक 4800 माइनस 4600. आई हैव बीन एफिशिएंट इन दिस 23 डेज. 23 दिन जो मैंने काम किया फाड़ के काम किया है, क्योंकि 23 दिन में होना चाहिए था 4600. 2 दिन तो फुल लॉस, तो वो तो कैपेसिटी में जाएगा. वॉल्यूम का ब्रेकअप है ना कैपेसिटी एफिशिएंसी. सो 2 दिन का जो लॉस है वो कैपेसिटी में जाएगा. एंड अब 23 दिन में 4600 होना चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया अच्छा, तो इसके कारण मेरे को कितना 20,000 फेवरेबल, बट कैपेसिटी विल बी एडवर्स. तो अल्टीमेटली वॉल्यूम नेट में एडवर्स आएगा, ठीक है? ये सब क्या बेसिक बेसिक सम, इसमें कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला चीज ही नहीं है. डायरेक्ट फिगर्स दिया हुआ है, आपको सीधा फॉर्मूला में बैठाना है और काम को करना है. इज दैट फाइन? आई डोंट थिंक दैट एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस. ओके, राइट? सो नेक्स्ट आई विल टेक अप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1C. ओपनिंग WIP 3000 यूनिट, 70% कंप्लीट, तो रिमेनिंग 30% होगा अभी. यूनिट्स इंट्रोड्यूस 17, तो टोटल इनपुट इज 20. इसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड दिया हुआ, मतलब ओपनिंग WIP में जो खर्चा लग चुका वो नहीं दिया हुआ है. ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000 है, 15,000 हैज बीन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है? तो टोटल इनपुट 20 में से 15,000 बचा 5, उसमें से क्लोजिंग WIP 2200 है, राइट? तो बचा 5 में 2200, तो 2800 लॉस हुआ है, ठीक है? अब उस लॉस में देख लेंगे नॉर्मल कितना, एबनॉर्मल कितना. फाइन एनफ, नॉर्मल लॉस 12% बोला है, तो 20,000 का 12% मतलब 2400, तो एबनॉर्मल लॉस कितना आएगा, 400. एनीथिंग बियॉन्ड नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस. फाइन एनफ, स्क्रैप रियलाइजेशन दे दिया 50 रुपीज पर यूनिट, तो फीफो फॉलो करने बोला है, फाइन एनफ. हम लोग को खाली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट और कॉस्ट पर, अच्छा यहाँ पे खास बात क्या है, अपने जैसे मटेरियल का अलग करते हैं, लेबर का अलग करते हैं, तो एक ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है पूरा कॉस्ट का. लेबर का अलग, मटेरियल का अलग, ओवरहेड का अलग, तो 3 अलग अलग कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा. तो हमारा सबसे पहला पार्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग EQP भी बोलते हैं, रिमेंबर? क्या करते हैं हम लोग, इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट डिग्री ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स.
Yes or no? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी पे सबसे पहला काम रहता है हमारा इनपुट आउटपुट को मैच कराना, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 17 तो टोटल इनपुट आ गया 20, इसका मतलब हमारा आउटपुट भी होगा 20। अब इसमें हम लोग लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड, राइट। तो फीफो में आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है ना, आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, आउट ऑफ इंट्रोड्यूस, तो टोटल कंप्लीट कितना हुआ है 15,000। तो 3,000 ये वाला कंप्लीट हुआ है, बाकी 12,000 यहां से कंप्लीट है, तो हो गया ना 15,000। नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, अच्छा क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 2,200, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस को सेट कर दो 12% ऑफ 20,000, दैट इज 2,400, तो डिफरेंस हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस 400, क्योंकि 15 और 2,200 17,200 हो रहा है और इनपुट है हमारा 20, तो मतलब 2,800 का लॉस हुआ, उस 2,800 में 2,400 तक नॉर्मल, उसके ऊपर का एब नॉर्मल। ऐसे ही बनाते हैं हम लोग इक्यूपी, एकदम सिंपल तरीका है। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन में वही लेंगे जो काम इस महीने हुआ है, तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 70 पे था, तो कितना हुआ है इसका रिमेनिंग 30%, तो इक्विवेलेंट आएगा 900। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, राइट, इफ आई टॉक अबाउट यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस आया था जीरो में, सीधा कंप्लीट हो गया 100%, तो 12,000। नॉर्मल लॉस आउटपुट में नहीं लिया जाता है, एबनॉर्मल लॉस, क्वेश्चन में बोला है स्क्रैप का डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज हाउ मच 100%, चार सौ। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी जितना है उतना ही लेते हैं 80%, तो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 2,200 का 80% 1760, तो मेरा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना आ रहा है, प्लस 400 प्लस 900 प्लस 12,000, 15,060, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड कितना दिया हुआ है 3,312,720, 3,312,720 स्क्रैप माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस का, तो 2,400 का 50% करके 2,400 का 50 करके 1,20,000 का स्क्रैप माइनस करेंगे, थ्री 3,192,720 आ गया। तो पार्ट टू कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल्स टू 3,192,720 बाई 15,060 डिवाइडेड बाई 15,060, तो 212। लो भैया, प्रोसेस अकाउंट बनाना ही नहीं है,
इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ पेपर ऐसा आया था जिसमें बच्चा लोग फालतू में अपने आप को बॉदर कर लिया प्रोसेस अकाउंट बना के। पहला बात तो प्रोसेस अकाउंट बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ओपनिंग WIP का जो 70% काम हो चुका है उसका कितना खर्चा हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं निकाल पाएंगे। बट फिर भी बच्चा लोग अननेसेसरीली बोला ही नहीं है। एग्जाम में हम लोग जब क्लास में सम कराते हैं तो आपको एक ही सम के दौरान बहुत सारा चीज समझाया जाता है, सो दैट टू सेव टाइम। मई 2018 का पेपर में भी देखा गया था बच्चा लोग एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के, हालांकि पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल पूछा था तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाइए और आपको लास्ट में सेलिंग प्राइस निकालने बोला था। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जितना बोला है उतना ही करना है, तो पेपर आपको लेंदी नहीं लगेगा। अननेसेसरी स्टफ अगर आप उसमें घुसाएंगे तो आपको पेपर लेंदी लगेगा, ये दिमाग में आप ये चीज अच्छे से बैठा लीजिए इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1D, ठीक है, एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वी हैव टू बी क्विक। पार्ट डी साफ दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम है, वर्क्स कॉस्ट शोइंग वर्क्स कॉस्ट और फिर नोशनल प्रॉफिट, मतलब दो पार्ट में बना लेंगे अपने। मेसर्स HD प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल जुलाई में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, मार्च में बंद कर रहा है, ठीक है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है याद रखिएगा, राइट। सो मेसर्स HD प्राइवेट लिमिटेड, आई एम प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, राइट। एकदम फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, पूरा कॉस्ट टिल डेट निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या करना है। आइए, टू मटेरियल इश्यूड, कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है नहीं, होगा तो फिर बाद में, अगर बाद में आएगा तो ऑपोजिट साइड में लिख देंगे, यहां पे लेस करके कंज्यूम भी निकाल सकते हैं। टू डायरेक्ट वेजेस, कुछ कुछ सब में क्या होता है पार्ट मार्किंग भी होता है। पहला क्वेश्चन बोला प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग वर्क्स कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट, तो फर्स्ट पार्ट तक करेंगे तो 2.5 नंबर तो मिल जाएगा, सेकेंड पार्ट अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो 2.5 नंबर कटेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप का सम क्लास में किया हुआ है, राइट, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर, इट विल बी 2 और 3, राइट। आइए, तो एटलीस्ट आप 2.5 नंबर तो लीजिए कम से कम, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे क्या लिखा है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्क्स अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन है, कुछ परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है, लेट अस सी। तो डायरेक्ट वेजेस है, सबको जितना छोटा करते जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में उतना आपको रिलैक्सेशन फील होगा। 457,200 माइनस प्रीपेड लेस हो जाता है 1,08,000। 457,200 माइनस 1,08,000, सो इट इज़ 349,200। डन। टू एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितना? 7,20,000। टू और बताइए खर्चा में क्या क्या है। सुपरवाइजर को 50,000 टाइम देते, वो 2/3 टाइम डिवोट किया, ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चा लेना है, इंटू 9 इंटू 2/3, 12 नहीं करेंगे। सुपरवाइजर जितना टाइम डिवोट किया है उस हिसाब से उसका आएगा। तो जुलाई से लेके मार्च 9 महीना होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो 4.5 लाख उसका 2/3 टाइम डिवोट किया है तो 2/3 वाला ही सैलरी आएगा, दैट इज 3 लाख। नाउ वी हैव टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो क्या बोला है, प्लांट यूज हुआ है ओनली फॉर 185 डेज, फाइन। सो मशीन का कॉस्ट कितना है? 785,270। माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 75,000 होल डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन, अगर कुछ नहीं बोला होता तो इनटू 9/12 करते, क्योंकि एनुअल नहीं लेंगे नॉम, पहले तो एनुअल निकालो। अब लेना था 9 मंथ्स का, बेटे उस 9 मंथ्स में भी 185 डेज, मतलब ये जो एनुअल आ रहा है इसमें खाली 185 डेज ही यूज हुआ है। पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहता तो इंटू 9/12 करते, बट बोल दिया कितना दिन यूज हुआ है तो उतना दिन का ही डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। तो 785,270 माइनस 75,000, हम लोग का जितने भी बुक्स में सम है उसमें 146 डेज के लिए यूज हुआ हुआ है। दिस डिवाइडेड बाई 9 करने से हमारा 78,918.88, जो भी इंटू 185/365, सो इट इज कमिंग टू 40,000 अप्रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये डेप्रिसिएशन का, जो चीज हम लोग कर चुके हैं उसमें ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है आपको। डन। नाउ फर्स्ट पार्ट वी आर कंप्लीटिंग, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसको बोला जाता है कॉस्ट टिल डेट या वर्क्स कॉस्ट, जो बोलना है बोल लीजिए। कितना है? 9,48,000 प्लस 349,200 प्लस 7,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000, राइट। फिर से करते हैं, 948 प्लस 349,200 प्लस 7,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000, 2,357,200।
ठीक है, तो यहां दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2523572000। तो यहाँ पे आता है बाई WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, वही ट्रांसफर टू कैपिटल वॉट एवर। नाउ ये हम लोग दिखाते हैं सेलिंग प्राइस पे, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आता है कॉस्ट पे। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है राइट, प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली मेंशनड दैट 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। यू कैन सी आर्किटेक्ट 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट राइट, उसमें से कॉन्ट्रैक्टर हमको 15.75 लाख ऑन अकाउंट दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अगर रिटेंशन देगा तब अपने को उससे बैक कैलकुलेशन करके वर्क सर्टिफाइड निकालना है। बट यहाँ पे ये नोट नंबर वन, ये नोट नंबर टू। नोट नंबर वन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दैट इज 50% ऑफ 42 लैक्स इक्वल्स टू 21 लैक। टेंशन ही नहीं है, अपने को परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे दिया है, 50% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन सर्टिफाइड, तो उस हिसाब से हम लोग ट्वेंटी वन लैक आ गया हमारा। अब हम लोग इसको कैसे निकाले थे, सबसे पहले अपना परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दैट इज वर्क कंप्लीटेड माइनस वर्क सर्टिफाइड, रिमेंबर, सो 2/3 माइनस हाफ दैट इज 1/6 ऑफ व्हाट टोटल कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का हाफ सर्टिफाइड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 1/6 अनसर्टिफाइड एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट का 1/3 नॉट डन, यस और नो? अगर अपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं हाफ 1/6 1/3, तो हाफ 1/6 1/3, गेटिंग माई पॉइंट? 6/3 1/2, 6/6 1, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल्स टू कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो दिस विल गिव मी टोटल कॉस्ट इन टू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, सिंपल है। तो कितना है 23,57,200, डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दो इसका 1/6, 23,57,200 इंटू टू इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, 589,300। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स, वन थर्ड ऑफ टोटल तो काम ही नहीं हुआ, उसको भूल जाओ।
टू थर्ड काम हुआ है, उसमें वन थर्ड हाफ ऑफ टोटल सर्टिफाइड है, तो 1/6 ऑफ टोटल इज अनसर्टिफाइड, तो 1/3 जो कंप्लीट हुआ ही नहीं, हाफ प्लस 1/6 करो देखो 1 आ जाएगा। सो ये जो खर्चा हुआ ये 2/3 का है, तो टोटल का कितना होगा आ जाएगा, ये जो खर्चा हुआ ये किसका है, 2/3 का है, तो टोटल का आ जाएगा एस्टिमेटेड रेसिप्रोकल कर दो एंड उसका फिर 1/6, 589,300, कितना 589,300, इज दैट फाइन। तो यहाँ पे बैठा दो 589,300, तो आई विल गेट द नोशनल प्रॉफिट 21,589,300 माइनस 2,357,200, 3,321,00। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी था ये क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इट यूजुअली दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सम कम्स फॉर 10 मार्क्स, बट दे हैव गिवन इट फॉर 5 मार्क्स, तो वर्किंग नोट करने में अपना थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2A, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, मिसेस जिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2018। पहले जब आपका आईपीसीसी था ना, तो कॉस्ट शीट से बहुत सम आता ही नहीं था, बिकॉज इन दैट सिस्टम कॉस्ट के साथ में 50 मार्क्स एफएम वाज देयर। अब इसी से एफएम को ये लोग हटा के अलग से कर दिया है, सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। पहले कॉस्ट शीट बहुत वेरी वेरी वॉज रेयर टू सी, सो ये मिसिंग फिगर कॉस्ट शीट का सम है, बिकॉज लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालिए, प्राइम कॉस्ट निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, सीओजीएस निकालिए, कॉस्ट ऑफ सेल निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, राइट। सो इस टाइप का प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है, जो भी है, तो अपने को पहले पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना है, और सारा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सब दे दिया है, राइट। तो अपने पहले कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट, जब मिसिंग फिगर सम आएगा ना, तो इट्स बेटर टू ड्राफ्ट द फुल कॉस्ट शीट।
पूरा कॉस्ट शीट आप लोग फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लीजिए, राइट। जैसे सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको ऐड करने से आएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसके साथ ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ हम प्लस कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, हमारा आ जाएगा COGS। इसमें प्लस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, तो फाइनली हमारा आ जाएगा सेल्स। तो ये फॉर्मेट हमारा मोटा मोटी ये है। अभी इसमें जो जो फिगर दिया हुआ है ना, उसको पहले प्रेम से आप बैठा दीजिए, स्टार्ट करिए आप लोग, बैठाइए। ठीक है, आइए बैठाते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 180 दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 180, डायरेक्ट वेजेस 257, 250, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,75,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60,000, सेल्स दिया हुआ है 22,10,000, WIP दिया हुआ है 170,800, क्लोजिंग दिया हुआ है 190, फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया हुआ है 3,10,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 275। बस नाउ
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे, दो पाथ है, आप किसी भी एक पाथ को चूज कर सकते हैं। पहले नीचे वाला चूज करते हैं। तो 18,75,000 में अगर मैं 60,000 जोड़ दूं, प्लस 60, तो सबको समझ में आ रहा है ये आएगा मेरा 19,35,000। तो ये हमारा सबसे पहला नोट वन, COGS प्लस सेलिंग ओवरहेड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल पता है तो हमारा नोट टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस 22,10,000। तो आ गया 2,75,000। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं। नोट थ्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू COGS प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स, बैक कैलकुलेशन। तो 18,75,000 प्लस 2,75,000 माइनस 3,10,000, तो ये आएगा मेरा 18,40,000। अंडरस्टूड? अभी हमारा नोट फोर, फैक्ट्री ओवरहेड। टू फिफ्टी सेवन टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई 175%, 257,250 डिवाइडेड बाई 175%, 1,47,000। नोट फाइव, मतलब वो बोल ही नहीं सकेगा हम चीटिंग किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल बी 10% ऑफ 1,47,000, जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसका 10%, 14,700, 14,700। अब फैक्ट्री कॉस्ट आएगा नोट सिक्स, मतलब मैं उसको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस करूँगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 18,40,000 से 14,700 माइनस कर दिया तो 1,825,300। ये है नोट सेवन, ये है नोट एट। तो फैक्ट्री कॉस्ट से क्लोजिंग WIP प्लस ओपनिंग माइनस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर उस प्राइम कॉस्ट से मैं डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस माइनस करूंगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। सो नोट सेवन इट्स लाइक PC इज इक्वल्स टू
फैक्ट्री कॉस्ट से प्लस क्लोजिंग WIP माइनस ओपनिंग WIP माइनस फैक्ट्री ओवरहेड करके देखिए, इसमें से प्लस कर देंगे 190 माइनस 17800 माइनस 147, तो ये आएगा 16,97,500। वहाँ करके नहीं दिखाना, यहाँ खाली बताना है कि मैंने कैसे किया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर से आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अभी इसमें से मैं 180 माइनस कर दूंगा, 257,250 माइनस कर दूंगा, तो 1,260,250। नोट 8, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डायरेक्ट वेजेस। नोट 9, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। सो 1,260,250 प्लस मेरा क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना है, 2,08,000, और ओपनिंग रॉ मटेरियल है 2,45,600। सो इसमें मैं 2,08,000 जोड़ दूंगा माइनस 2,45,600, तो 1,222,650, ये मेरा आंसर है। सो केयरफुली आपको देखना है, पहले आप ये कॉस्ट शीट देख लीजिए। तो एग्जाम में भी हम लोगों को इस तरीके से ही करना है, क्योंकि आप नीचे भी फिगर निकालेंगे फिर ऊपर भी बैठाएंगे, दरकार नहीं। नीचे आप प्रोसेस बता दीजिए, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर में फिर प्लस माइनस यहाँ कर लीजिए, तो उसको समझ में आएगा कि मैंने क्या 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 पहले निकाला है। पहले मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर लिया, फिर मैंने प्रॉफिट निकाला, फिर मैं नीचे का हो गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, फिर मेरे को फैक्ट्री कॉस्ट निकालना, तो फैक्ट्री कॉस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जानना है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड जानना है, रिलेशन वैसा है ना, और फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस से आएगा, तो पहले मैंने ओवरहेड निकाल लिया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकाल लिया, वंस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गया फैक्ट्री कॉस्ट में आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट में आ गया फिर मैं प्राइम कॉस्ट में आ गया, प्राइम कॉस्ट में आ गया मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम में आ गया फिर मैं रॉ मटेरियल परचेज में आ गया। Is that fine?
ठीक है,